और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ, सेल्स करता हूँ, जैसे जस्ट लाइक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, एनीथिंग एल्स, इलेक्ट्रॉनिक। रिसेंटली मैं हायर में हूँ, मैं अभी 13 ईयर समथिंग हो गए हैं। 13 ईयर में बहुत शोरूम में काम कर चुका हूँ। टाटा क्रोमा है, रिलायंस है, विजय सेल्स है। जैसे कोई अगर एज एन फ्रेशर है तो उसका स्टार्टिंग पैकेज लगभग कितना हो जाएगा? इंटरव्यू में एज एन फ्रेशर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? सब्सक्राइब कीजिए jobnow247.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, एक और जबरदस्त वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे ब्रांड्स आपको रिटेल सेक्टर में दिखेंगे, जैसे कि सैमसंग है, हायर है। तो इन रिटेल सेक्टर में इन ब्रांड्स के साथ आप अपना करियर किस तरीके से बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी इस टॉपिक पर पूरी जानकारी। तो मेरे साथ है रवि कांत, जो कि हायर और सैमसंग के लिए काम करते हैं, और इनके इंटरव्यू के थ्रू मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि अगर आप अपना करियर इस लाइन में बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है, इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ए टू जेड सारी जानकारी मिलने वाली है आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सर, जैसे कि मैं आपका नाम सबको बता ही चुकी हूँ, बेसिकली मैं आपसे एक पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप काम क्या करते हैं? मैं सेल्स में हूँ और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ, सेल्स करता हूँ, जैसे जस्ट लाइक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, एनीथिंग एल्स, इलेक्ट्रॉनिक। कौन सी कंपनी के जो फ्रिज, वॉशिंग मशीन होती है उसके बारे में बताते हैं? मैं एनी मतलब किसी भी कंपनी बताता हूँ, वैसे सैमसंग और एलजी, हायर, इस कंपनी को मैं प्रमोट करता हूँ। रिसेंटली मैं हायर में हूँ मैं अभी। अच्छा, रिसेंटली आप हायर हो, ओके। तो बेसिकली कितने सालों से आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? मुझे 13 ईयर समथिंग हो गए हैं। 13 ईयर्स, ओके। अगर आज के टाइम पर किसी को अपना करियर इस लाइन में बनाना हो, जैसे हम बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हैं, क्रोमा हो गया, इवन रिलायंस हो गया, वहाँ पर अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th पास चाहिए। मिनिमम चाहिए बिल्कुल। स्टार्टिंग आपको 12th पास होंगे तो आपको कंपनी जल्दी हायर कर लेती है, इससे कम होगा तो कंपनी नहीं कर पाती, फैक्ट है ये। और क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है? स्किल्स आपको मतलब इसमें फर्स्ट आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो कंपनी फ्रेशर वे में आपको रख लेती है 10th बेस में, फिर उसे आपको टेम्परेरी बेस पे उसे फिर आपको ट्रेनिंग करती है, उसके बाद में आपको परमानेंट कर देती है। आप किसी भी कंपनी में इसमें जा सकते हैं। अच्छा जी, ओके। और बेसिकली जैसे कोई अगर ऐसे फ्रेशर है तो उसका स्टार्टिंग पैकेज लगभग कितना हो जाएगा? मैम, स्टार्टिंग में तो केवल सिखाना होता है, सिखाने के साथ साथ कंपनी मिनिमम आपको मंथली 10-12,000 मिनिमम दे देती है। ओके। और जैसे एज एन फ्रेशर अगर कोई नौकरी सर्च आउट करता है तो बेस्ट तरीका क्या है उसके लिए? मैम, बेस्ट तरीका तो यही है कि आप जैसे कि सपोज आज के डेट में सैमसंग कंपनी है, तो आप स्टोर पे जैसे जाते हैं ना, तो जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं या तो आप उनसे बात कीजिए, ठीक है, या फिर आप केवल कंपनी के ऑफिशियल साइट जो होती है वहाँ पे आप जाकर किसी भी कंपनी की वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यही बेस्ट तरीका है। बाकी और मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी ऐसे हैं कि जॉब लग जाएगी यहाँ पे करवाओ, तो वो उसमें नहीं होता। अच्छा, कोई पैसे वगैरह देने होते हैं क्या? नहीं, इसमें कोई पैसा नहीं देना होता आपको। सिंपल बात है, कंपनी को जरूरत है तो वो लड़के रखती है, आपको सीधा केवल उन लड़कों से कांटेक्ट रखना पड़ता है, जैसे कोई कंपनी के एम्प्लॉई होते हैं वो आपको बता देते हैं। मतलब किसी को अगर जॉब चाहिए तो वो डायरेक्टली शोरूम में जाए? हाँ, शोरूम में जाए, बात कर सकता है, वो आपको चाहे तो लगवा सकते हैं या फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट। बिल्कुल, ऑफिशियल वेबसाइट से। और कोई इंटरव्यू में एज एन फ्रेशर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? नॉर्मल जो यही पूछते हैं कि आपने अब से पहले कहीं जॉब किया, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, और आपको मतलब मार्केट मतलब क्या आपका मतलब नॉलेज कितना है, वो सब चीज़ यही देखते हैं, क्योंकि फ्रेशर को इतना ज़्यादा पता नहीं होता इस चीज़ के बारे में। बेसिकली क्वेश्चन यही नॉर्मल पुटअप करते हैं कि कहाँ से आते हो, क्या आपने क्वालिफिकेशन है, और आप कुछ सेल कर सकते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, आप इसे तो थोड़ा बहुत पूछते हैं। अच्छा, जैसे आप वॉशिंग मशीन के बारे में बताते हैं, टीवी के बारे में बताते हैं, तो इंटरव्यू के टाइम पर ये जरूरी है कि उस वॉशिंग मशीन या टीवी के बारे में पूरी स्पेसिफिकेशन भी आना? नहीं नहीं, फ्रेशर में कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट। और एज एन एक्सपीरियंस अगर आप चाहते हैं तो? हाँ, उस केस में कंपनी अगर आपको देखो सैलरी हाइक देती है तो कंपनी का एक्सपेक्टेशन होता है कि उन्हें थोड़ा नॉलेजेबल बंदा मिले, तो उसी हिसाब से उन्हें रिकमेंड करते हैं, उनसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि आपको जैसे एलईडी है जस्ट लाइक कि एलईडी आपके कितने टाइप के आते हैं, फुल एचडी क्या आता है, क्या होता है, 4K क्या होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में पूछती है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ऑलेड हो गया, ऐसे मतलब ये चीज़ें कंपनी पूछती है। एज एन एक्सपीरियंस लगभग कितनी सैलरी में जाती है? एक्सपीरियंस में मैम 40,000-50,000 भी मिल जाता है। काम कितने घंटे करना होता है? मैम वैसे 8-9 घंटे का काम होता है। और इनकेस अगर ज़्यादा भी करते तो क्या ओवरटाइम मिलता है? बिल्कुल मैम, बेनिफिट बहुत अच्छा है कि हमारा इंसेंटिव जितनी सैलरी होती है उससे ज़्यादा तो इंसेंटिव बन जाता है।
अच्छा, इजीली अचीव हो जाते हैं कि टारगेट्स वगैरह रहते हैं? इजीली हो जाता है, इजीली हो जाता आराम से। अच्छा, किस शोरूम में काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है? हाँ मैम, डिपेंड यही करता है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ पर कस्टमर कितने आते हैं और आप कितने कस्टमर कन्वर्जन कर पाते हैं, कितनों को अपने प्रोडक्ट दे पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग बात होती है। अभी तक आपने कितने शोरूम्स में काम किया होगा? मैंने तो मैम 13 साल में बहुत शोरूम में काम कर चुका हूँ। कोई बड़ा शोरूम का नाम? बिल्कुल, टाटा क्रोमा है, रिलायंस है, विजय सेल्स है, और काफ़ी मैनी स्टोर्स हैं। सब में काम किया आपने? हाँ, सब में। ओके, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैम काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी। ओके, तो आई थिंक आपने सर सारी जानकारी दी। आपने बताया कि अगर किसी को एज एन फ्रेशर जॉब चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए तो तरीका ये है, आप डायरेक्टली विजिट करके वहाँ पर अप्लाई करें। बिल्कुल, डायरेक्टली आप, जैसे आपको अगर जॉब की नीड है तो आप उन एम्प्लॉई से मिलिए जो वहाँ पर वर्क करते हैं, वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बाकी अगर कोई अदर कहता है कि आपको यहाँ जॉब लग जाएगी वहाँ, तो वो बिल्कुल नहीं लग सकती, ये फैक्ट है। क्योंकि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मिलती है जॉब की या वैकेंसी की, वो सबसे पहले एम्प्लॉई को ही पता होता है। ठीक है, बाकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी? ऑफिशियल वेबसाइट ओनली, बस सेकंड। ओके, और सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा है, दोनों के लिए ही वैकेंसीज निकलती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्या होता है जब कंपनी को नीड होती है तो आपको सैलरी भी अच्छा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी सारी जानकारी दी, और आई होप गाइज आपको ये सारी चीज़ें पता चली होंगी कि आज के टाइम पर किसी भी रिटेल सेक्टर में किसी भी बड़े ब्रांड जैसे कि सैमसंग हुआ, हिताची हुआ, हैवल्स हुआ, काफ़ी सारे LG हुआ, इनके साथ आप अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।